विदेश दौरे पर हैं और उनके हर विदेशी दौरे की तरह यह दौरा भी काफी विवाद में फंस गया है, क्योंकि राहुल गांधी ने भाषा से लेकर भगवान तक, संघ से लेकर भारत के संविधान तक और लोकतंत्र से लेकर उनके पसंदीदा टॉपिक चीन तक जो कुछ बयान दिए उस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। व्यूअर्स, अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि आरएसएस की विचारधारा पूरे देश पर कब्जा करना चाहती है। उसके बाद राहुल गांधी लोकतंत्र पर पहुंच गए और कहा कि हम भारत में अमेरिका जैसा लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने चीन की जमकर तारीफ कर दी और कहा कि रोजगार के मामले में चीन में कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी के इस बयान पर जोरदार हमला करते हुए बीजेपी और एनडीए ने कहा कि राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र में काला धब्बा है। लेकिन इसी बीच राहुल के गुरु कहे जाने वाले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन अंकल सैम यानी सैम पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी को पप्पू बताना एकदम गलत है। कई विषयों पर राहुल गांधी गहरी समझ रखते हैं और अब वो पप्पू नहीं है, उनके पास एक विजन है। सैम पित्रोदा के इस बयान पर भी खूब पॉलिटिक्स हो रही है, तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, सात समंदर पार सियासी वार। राहुल एक बार फिर विदेश यात्रा पर हैं और पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी विदेश यात्रा पर सियासी संग्राम छिड़ गया है, क्योंकि अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भारत पर कई सवाल खड़े कर दिए। बैटल दैट इज बीइंग फॉट इन इंडिया, द आरएसएस बिलीव्स दैट इंडिया इज वन आइडिया, वी बिलीव दैट इंडिया इज ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइडियाज। The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. So if you say to the people of Andhra Pradesh that look, Telugu is not as important as Hindi, you're insulting the people of Andhra Pradesh. And this is the simple battle that is being fought in India. इसके बाद बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। वो हमेशा भारत को नीचे दिखाने का और साइना को एक बहुत बढ़िया नेशन का हिसाब से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेना पड़ेगा। देशद्रोही कोई आरएसएस को नहीं जान सकता। राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र में काला धब्बा है। उनको यह भी नहीं पता है कि विदेशी भूमि पर जाकर क्या बात करनी है। राहुल गांधी वहां एक कुछ भाषण देने गए हैं, अपने विचार रखने गए हैं। लेकिन इसी बीच खुद इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने पप्पू वाले मुद्दे को हवा दे दी। राहुल गांधी एजेंडा इज टू रियली एड्रेस सम ऑफ दीज लार्जर इश्यूज। ही हैज ए विजन contrary to what BJP promotes by spending crores and crores of rupees, I must tell you, he is no papu. वैसे इस मुद्दे पर पहले भी खूब सियासी नोकझोंक हो चुकी है। मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। आप जितना चाहो राहुल गांधी को पप्पू बनाने की, राहुल गांधी जी खुद आपको पप्पू बना दिया। ये माननीय सांसद को पप्पू नहीं कह सकते, राहुल गांधी को देख के तो मुझे सच में तरस ही आता है। क्यों आता है आपको तरस? मुझे वो बहुत बेचारे लगते हैं, कार्टून कैरेक्टर यार, कम ऑन यार, मुझे हंसी आती है, मुझे एकदम कार्टून लगते हैं वो। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विदेशी जमीन पर देश की बुराई उचित है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, राहुल के बयानों का एक्सरे करने वाला विश्लेषण। बयान क्या है? चीन में रोजगार की दिक्कत नहीं है, लेकिन सच्चाई क्या है, फैक्ट क्या है? व्यूअर्स, चीन में युवाओं की बेरोजगारी दर जुलाई 2024 का जो आंकड़ा है वो 17% का रिकॉर्ड स्तर है। तो आप सोच सकते हैं सच्चाई क्या है। अब मैं बताऊं आगे बयान क्या है। हम अमेरिका जैसी आजादी और लोकतंत्र चाहते हैं।
70% भारतीय लोकतंत्र से संतुष्ट हैं, ये प्यू रिसर्च की रिपोर्ट है। मात्र 31% अमेरिकी अपनी डेमोक्रेसी से खुश हैं। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा प्रचार के दौरान गोली चली और जानलेवा हमला हुआ। भारत के अंदर इस तरह की घटनाएं नहीं हैं। मैं बढ़ता हूं आगे, अमेरिका को सीखना चाहिए भारत के लोकतंत्र से। बयान, भारत में भाषा और संस्कृति को लेकर लड़ाई चल रही है। 4 सितंबर 2024 राहुल ने कश्मीर में बाहरी शब्द का इस्तेमाल किया, सच्चाई है। और 24 फरवरी 2021 उत्तर भारतीयों को सतही सोच वाला बताया। खुद राहुल गांधी इस तरह के बयान दे रहे हैं और अपने ही बयान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं अमेरिका में जाकर। खुद राहुल गांधी भारत में ये बोल के गए हैं और अमेरिका में कह रहे हैं भाषा और संस्कृति को लेकर लड़ाई चल रही है, उत्तर प्रदेश के लोगों को सतही वाला बता रहे हैं, कश्मीर में जो लोग जा रहे हैं उनको बाहरी शब्द का उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये राहुल की सच्चाई है। मैं बढ़ता हूं आगे, अगला बयान, आरएसएस की विचारधारा को थोपा जा रहा है। सच्चाई है कि महात्मा गांधी ने 1934 में संघ के शिविर में वो गए थे वर्धा और संघ के अनुशासन की उन्होंने बकायदा तारीफ करी थी। महात्मा गांधी ने नहीं, मैं आगे नाम लेता हूं, पंडित नेहरू का नाना है जो राहुल गांधी के, उन्होंने 1963 की गणतंत्र दिवस की परेड में आरएसएस को शामिल होने का न्योता दिया था। ये तो नाना की बात हुई, अब दादी पर आता हूं मैं, इंदिरा गांधी जी ने 1977 में आरएसएस के न्योते पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल के उद्घाटन में वो पहुंची थी। ये सच्चाई है। और अब बड़ा सवाल है, क्या राहुल गांधी सियासत चमकाने के लिए देश के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, जिसमें लोकतंत्र की भी बात है, भाषा की भी बात है और संस्कृति की भी बात है। आइए बढ़ते हैं आगे, आज का पैनल कौन? न्यूज 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।